हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, फर्स्ट एपिसोड हमने किया था चेस्ट वर्कआउट। चेस्ट वर्कआउट के लिए हमने जो भी वर्कआउट किया था वो मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से करना है, कैसे करना है। तो आज का जो हमारा एपिसोड रहेगा वो रहेगा सेकंड एपिसोड बैक वर्कआउट का। उसमें हमें क्या क्या वर्कआउट करना है, कैसे करना है, किस मोमेंट में करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को लास्ट तक देखें। ये बिगिनर्स के लिए, जितने भी बिगिनर्स हैं और नॉर्मल बेसिक वर्कआउट में भी आता है ये, तो आप इसे एंड तक देखें। कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। इसके बाद हमारा तीसरा एपिसोड जो होगा वो होगा बाइसेप्स वर्कआउट का, और इसमें हर चीज़ बताई गई है किस मोमेंट में लगानी है, कितने रेपिटेशन लगाने, कितने सेट लगाने। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया, इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना। किसी भाई को कुछ भी पूछना हो, कोई भी मैसेज कर सकता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर देना। किसी को कुछ भी पूछना हो, जो भी मतलब डाइट को लेकर, वर्कआउट को लेकर, फूड सप्लीमेंट को लेकर, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। तो गाइस, हम करेंगे सबसे पहले चिनअप। तो चिनअप के हम 4 सेट करेंगे 10 10 के। तो ये आप देख लो किस तरीके से करना है, आपसे जितना लगे अप डाउन उतना ही करना। अभी स्टार्टिंग में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, और जितने आपसे लगे कोशिश करना 10 लगे, नहीं तो जितने आपसे लगे आप उतने ही करना। एक सेट करने के बाद 15 से 20 सेकंड का रेस्ट करना है हमें, ठीक है। तो ऐसे हमें 4 सेट करने होंगे। जब हमारे 4 सेट हो जाएंगे तो हम इसके बाद करेंगे लैट पुल डाउन फ्रंट। जो हम फ्रंट करेंगे, इसकी मोमेंट देख लो आप अपने पैरों को किस तरीके से सेट करोगे, उस पिन को वहीं एडजस्ट कर लेना। मारने का तरीका आप देख लो, 1 2 3 4, इस तरीके से आपको 10 लगाने हैं। फिर 15 से 20 सेकंड का रेस्ट, फिर ऐसे ही 4 सेट हमें पूरे करने हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो होगा लैट पुल डाउन बैक, पीछे से हम करेंगे। सेम पोजीशन रहेगी रेपिटेशन की, जो कि 10 10 के 4 सेट चलेंगे। ये मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ बिगिनर से अपने जितने भी भाई, ये उनके लिए है कि आप किसी भी जिम में जाओ, अगर आपको कोई ट्रेनर नहीं मिलता तो आपके लिए आपका भाई राहुल सोनकर बैठा है। आप वीडियो देखो किस तरीके से क्या वर्कआउट करना है। ये हमारा 1 मंथ चलेगा, मंडे टू सैटरडे। इसके बाद जो भी शेड्यूल होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, 1 मंथ के बाद हमारा क्या शेड्यूल किस तरीके से रहेगा। अब हम करेंगे इसके बाद बनाम सिंगल हैंड डंबल। किस तरीके से करना है आप देख लो, अपने आप को लाइट वेट से कैसे एडजस्ट कर सकते हो। बेंच पर पैर रख के आराम से पुल अप डाउन शीशे में देखना है आपको, ठीक है। और आप ये मत सोचना कि आपसे सेट गलत लग रहा है, ठीक लग रहा है। शुरू में जो मोमेंट आपसे बने आप उस मोमेंट में करो, क्योंकि जो एग्जैक्ट मोमेंट आती है ना वो धीरे धीरे ही आती है। आप कभी मेरी वीडियो देखना, जब मैंने स्टार्टिंग की थी मैं बहुत कमज़ोर था, किस तरीके से वर्कआउट करता था, मैं आपको वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगा। आप मुझे मैसेज करना, पर्सनली शेयर करूँगा मैं। तो आपको इस तरीके से सेट लगाने अपने पूरे, जब हमारे 4 सेट हो जाएंगे इसके बाद हम वर्कआउट करेंगे अपना सीटेड ड्रॉइंग का। सीटेड ड्रॉइंग को आप किस तरीके से करोगे आप देख लेना। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप लैट पुल डाउन, उसके बाद लैट पुल डाउन बैक, सिंगल हैंड वन आर्म्स करने के बाद सीटेड ड्रॉइंग को आप इस तरीके से कर सकते हो, पुल्ली पुश डाउन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा वर्कआउट चलता रहेगा भाई बिगिनर से जो भी। वैसे तो बेसिक वर्कआउट भी है, जैसे हम कई बार गैप दे देते, लंबा छुट्टियाँ हो जाती है तो हम स्टार्टिंग में 1 वीक ये कर सकते हैं। बाकी बिगिनर्स को 1 मंथ यही करना है। 4 सेट इसके करेंगे, इसको करने के बाद फिर हम क्लोज ग्रिप करेंगे पुल्ली पुश डाउन से। और हमारी क्लोज ग्रिप की मोमेंट आप देख लेना। इसके भी हमारे 4 सेट चलेंगे 10 10 के,
मेरे पास लैट पुल डाउन वाली ये मशीन है, बाकी आप एडजस्ट कर लेना आपके पास जो भी मशीन हो। इसमें थोड़ा सा बैक पीछे की तरफ रहना है हमें। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। और अपना प्यार बना के रखना, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको कोई नेक्स्ट वीडियो की बारे में कुछ भी पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको वीडियो बना करके यूट्यूब पर पोस्ट कर दूँगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन बटन दबा दें जिससे आपको नई अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।